नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में समांतर ट्रायल चलाने पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को संयम बरतने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी केस में मीडिया समांतर ट्रायल नहीं चला सकता है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक अर्नब गोस्वामी के चैनल पर मामले से संबंधित रिपोर्ट्स पर रोक लगाई जाए। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जज मुक्ता गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब आपराधिक मामले में पुलिस की जांच चल रही है तो मीडिया द्वारा समांतर जांच नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस दौरान जज मुक्ता गुप्ता ने कहा कि मीडिया को समांतर ट्रायल चलाने से बचना चाहिए, किसी को दोषी नहीं साबित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत यह नहीं कह रही है कि कोई भी मीडिया को नियंत्रित करेगा, लेकिन जांच की पवित्रता को बनाए रखना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आपराधिक सुनवाई का कोर्स करने के बाद ही पत्रकारिता में आना चाहिए। बता दें 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5-स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी। थरूर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सुनंदा पुष्कर केस में अब तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, अब तक उनकी हत्या की बात भी सामने नहीं आई है, लेकिन अर्नब गोस्वामी अपने कार्यक्रम में दावे करते रहते हैं कि उन्हें शक नहीं कि सुनंदा की हत्या की गई है। आखिर वो टीवी डिबेट में ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये सब कुछ तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।